दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर ललित और एक बड़ी अपडेट लेकर मैं आपके समक्ष आया हूं। आपने बिल्कुल सही देखा, सही सुना, नियमित नियुक्ति फंसी और मानदेय पर रखे जाएंगे शिक्षक। पूरी न्यूज को जान लेते हैं और समझ लेते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं इस तरह की न्यूज आपको मिलती रहे तो लगातार आप हमारे चैनल बने रह सकते हैं। तो दोस्तों न्यूज है ये कि प्रदेश के सहायता प्राप्त जो संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों में जो नियमित नियुक्ति होने वाली थी वो फंस चुकी है, और इस सत्र में भी जो 850 शिक्षकों को नितांत अस्थायी तौर पर मानदेय के रखने की तैयारी है। मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि सरकार का क्या कदम है। परमानेंट टीचर की आवश्यकता, लेकिन उन परमानेंट संस्कृत टीचर की जगह उनको भी मानदेय पर रखा जाएगा। इस संबंध में मैं आपको डिटेल में बताना चाहूंगा, माध्यमिक शिक्षा निदेशक जो महेंद्र देव हैं, उनकी ओर से शासन को प्रस्ताव भेज दिया गया था इन शिक्षकों के मानदेय पर एक वर्ष में 15 करोड़ से अधिक खर्च होने का अनुमान है। सरकार ने 13 मार्च 2018 से 2019 की नियमावली में संशोधन करते हुए सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में संस्कृत के शिक्षकों के नियुक्ति का जो अधिकार उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड को दे दिया था कि भाई आप इसमें भर्ती कराओ। चयन बोर्ड ने 30 सितंबर 2022 की सूची से अवगत करा दिया कि बोर्ड की नियमावली में संशोधन न होने के कारण ऑनलाइन अधिचयन नहीं लिया जा रहा है। यानी जो बोर्ड ने है उसको संज्ञान में ही नहीं लिया है, और इस तरह से जो ये भर्ती की बात चल रही थी, बहुत बड़ा दुख और लॉस संस्कृत विद्यालयों में जो टीचर हैं उनके लिए होने वाला है, क्योंकि जितने भी 850 शिक्षक इसके लिए नियुक्त किए जाने थे वो फंस चुकी है। अब वहां पर जैसे आप शिक्षा मित्र को रखते हैं, शिक्षा साथी को रखते हैं, या आप कहेंगे आपको एक फिक्स अमाउंट दे दिया जाएगा, उसके आधार पर आपको पढ़ाने को मिलेगा। तो ये भर्तियां फंसती चली जा रही हैं, लेकिन क्या करें, जवाब सरकार को देना है, जवाब आपको जानना है, तो मुहिम में जुड़ जाइए। अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सेशन को शेयर करके अपने साथियों तक इस खबर को पहुंचाएं, और ऐसी ट्रेंडिंग न्यूज के लिए आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ। मैं हूं डॉक्टर ललित कुमार, थैंक यू वेरी मच, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। फिर मिलूंगा एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।